क्लाइमेट चेंज जिस तेज़ी से दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसमी तब्दीलियाँ, बलूचिस्तान इसके अंदर सबसे ज़्यादा मुतासर रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू रहा हमेशा से वो ड्राउट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा और मौसम में बड़ा फ़र्क आया। काफ़ी हार्श मौसम हो गया है, सर्दियाँ काफ़ी शदीद हो गई और गर्मियाँ भी शदीद हो गई, तो उसकी वजह से इम्पेक्ट बहुत का आया। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है। स्कूल के टाइम के बाद जब मैं घर आता था, मिट्टी से मैं घर बनाता था हाथ से। कोई भी जहन में आइडिया होता था उसी को मैं हाथ से इम्प्लीमेंट करता था, तो एक घर खुद बनता था और उसकी तारीफ भी करते थे घर वाले। और साथ साथ जब भी हाथ में बीज आता था या सीड आता था तो मैं उसको ज़मीन पर लगाता था, तो जब ग्रो होता था तो वो एक बड़ी खूबसूरत फीलिंग होती थी, जिसको मैं शायद मैं समझता हूँ कि जब यूनिवर्सिटी कंस्ट्रक्ट भी कर रहा था तो ये वो तमाम बातें या तमाम यादें थी जो इसके साथ मुझे अटैच किया, जिन्होंने इस काम करने में मुझे बड़ा मदद किया। हमारी यूनिवर्सिटी ये थी कि जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स ऐसा डेवलप किया जाए जो लीडरशिप लेवल पे अपनी कम्युनिटी में इनिशिएटिव्स ले सके, अपने मसाइल को अपनी कम्युनिटी के साथ मिलके हल कर सके। जहां हमने कैंपस बनाया, उस कैंपस के अंदर हमें जहां जहां हमें चैलेंजेस नजर आए तो हमने यहां पे इन चीज़ों को एक्सप्लोर किया। तो पहला स्टेप ये था कि कैसा हम इसको स्ट्रक्चर बनाएं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लें, कुछ चार मंजिला इमारत खड़ी कर लें और वहां पे स्टूडेंट्स को बुला लें, डिफरेंट एक्सपर्ट्स थे। तो उन्होंने आते ही जब इस जगह को देखा, उन्होंने कहा कि ये तो आपने गलत जगह सेलेक्ट कर ली, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे लगा कि वो जो चार साल की मेहनत थी वो मेरी ज़ाया हो गई। बलूचिस्तान इतना डाइवर्स है, अगर आप हर इलाके में देखें तो हर इलाके में आपको डिफरेंट सॉल्यूशंस के मिल सकते हैं। अगर हम नेचुरल रिन्यूएबल सोर्सेज को अगर हम देखें, इनके जरिए हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। जिस जगह पे आपकी ज़मीन है उसके नज़दीक तरीन कम्युनिटी को स्टडी कर लें, उनके पास तमाम सॉल्यूशन मौजूद हैं। और इसी पॉइंट को जब लेते हुए हमने हनावड़त में हमने कंस्ट्रक्शन की टाइप्स को देखा और उसी टाइप्स को बनाते हुए हमने उन्हीं लोगों को जो यहाँ के मकामी लोग थे उन्हीं को एंगेज किया। हमने कहा जैसे आप लोग बनाते हैं वैसे हमारी बिल्डिंग भी आप बनाएं। जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है सब मड में हुआ हुआ है, और ये आपको नज़र आ रही दीवार ये प्योर मड से है। इस पर जो आपको इस्तेमाल हो रहा है ये भूसा इस्तेमाल हो रहा है। गर्मियों में यही बिल्डिंग्स ठंडी और सर्दियों में गर्म, लो कॉस्ट में बनती, पानी का बहुत कम इस्तेमाल होता है, क्लाइमेट के हवाले से ही बिल्डिंग्स बनाई गई। रेन हार्वेस्टिंग मॉडल हमने एक बनाया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या किया कि जो छतों का पानी है स्पेशली बारिश का पानी है उसको हम ये छतें इस्तेमाल करते हुए प्रणाले में पानी आ जाता है और इस प्रणाली को हमने पाइप से लिंक करके एक टैंक से जोड़ दिया है, तो इसके अंदर सारा पानी स्टोर हो जाता है और 1000 गैलन पानी का ये टैंक होता है। इस पानी को हम डोमेस्टिक यूज़ के लिए और एज वेल एज एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मॉडल बना भी रहे थे तो हमारे जहन में ये रहा था कि हम इस क्लाइमेट चेंज के हवाले से एक डायलॉग जनरेट कर सकते हैं कि आम नौजवानों में एक सोच डेवलप की जाए। इन तमाम चीज़ों को जब हमने कोर्सेज में पढ़ाना शुरू किया, नौजवानों ने बताया कि हाँ हमारे इलाकों में भी पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, अब ये इश्यूज डेवलप होना शुरू हो गए। इन्हीं नौजवानों ने फिर अपने इलाकों में अपने लोगों से बात शुरू की तो नज़र आया कि ये डायल मसला है और इस इश्यूज को हमें डील करना चाहिए। पिछले 20 साल से जो मैं देखता हूँ कि खुश्कसाली है यहाँ पे, ज़्यादा पानी नदी नालों में बहता था, अभी तो वो है नहीं। सही बारिशें अपने वक्त पे भी नहीं होती और कम भी होती है। खुश्कसाली की मेन वजह हुई क्लाइमेट चेंज है। बारिश का मौसम भी नहीं था लेकिन एकदम से बारिश हुआ और ज़्यादा फ्लड आने की वजह से ये हमारा पूरा कार्य जो सिस्टम था ये ख़राब हुआ। 102 कुएँ हैं, ये सब चौकट हुआ था, तो उसके बाद गांव के लोग माइग्रेट भी होके चले गए यहाँ से। मैं जब IDSP से ग्रेजुएट हुआ तो मेरी ये आइडिया थी कि मैं इसको दोबारा बहाल करूं। एक IDSP से एक इंटरवेंशन मिली थी हमें और अपने गांव ने भी उसमें कुछ पैसे मिला दिए। 9 महीने के कोशिश के बाद हमने पूरे कार्य इसको साफ किया।
ये कुएं एक दूसरे के साथ अंदर से इंटर कनेक्टेड है, तो एक टनल के जरिए ये पानी बगैर फ्यूल के, बगैर किसी एनर्जी के, ये खुद ब खुद ये जमीन की सतह पे निकलती है यहाँ पे। उसके बाद वो जो माइग्रेंट्स थे वो वापस आके यहाँ पे दोबारा से आबाद हुए। मसले को जब अगर सही तरह एवेल्युएट ना करें तो वो उसके बड़े मुश्किल सॉल्यूशंस हमें नजर आते हैं। इंडिजीनियस आपके पास विजडम जो मौजूद होता है लोगों का, उसके अंदर सब चीज़ों के हल मौजूद होते हैं, जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जो अब 16-17 सालों की जो मेहनत है, जब आपको रिजल्ट नज़र आते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं, तो ये खुशी होती है। तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आपको मेहनत करना है, स्ट्रगल करना है, चैलेंजेस का सामना करना और उन्हीं से रास्ते निकालना, ये खूबसूरती है और यही ज़िंदगी।